हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे सीमेंस की VFD की एक वार्निंग है A952 बेल्ट फेलियर डिटेक्टेड। ठीक है, ये एक्चुअल में होता क्या है, बेल्ट का फेलियर हो गया है, मतलब बेल्ट फेल हो गई है। ठीक है, तो ये तब आता है जैसे हमने VFD को ना टॉर्क मोड में चलाया हुआ है। ठीक है, टॉर्क मोड में कि VFD पे इतना लोड आए तो इतना टॉर्क लगाए, इतना आए तो इतना टॉर्क लगाए, स्पीड मोड में। ठीक है, तो उस केस में हुआ क्या है, अगर VFD बिल्कुल फ्री रन करने लगी है, मोटर के शाफ्ट पे कोई लोड नहीं है, तो ये वार्निंग जो है ये तब डिटेक्ट होती है। ठीक है, तो मतलब मैकेनिकल का कोई भी फॉल्ट हो सकता है, या तो बेल्ट टूट गई है हमारी, या गेयर बॉक्स टूट गया है। ठीक है, या फिर जो लोड है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है, ये उसी केस में आता है। ठीक है, तो आपको मैकेनिकली चेक करना है, और कुछ पैरामीटर्स हैं जो 3 नंबर ग्रुप में दे रखे हैं, इनको चेक करना है, और लुब्रिकेशन वगैरह कर दीजिए आप बेल्ट का और गेयर। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है आप मुझे मेल कर सकते हैं, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑफ मेरे चैनल पर जितने भी VFD के फॉल्ट फाउंडिंग और ट्रिपल सेटिंग होती हैं उनकी सबकी वीडियोज़ आने वाली हैं, और जितने भी VFDs हैं सबकी। और एक बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बहुत अच्छी बुक है, आप उस बुक को परचेज करके पढ़ सकते हैं, वो आपके ऑटोमेशन के स्किल्स, PLC VFD स्पेशली ऑटोमेशन के स्किल्स को इम्प्रूव कर देगी, और जो आपको हेल्प करेगी आपके करियर को इम्प्रूव करने में। थैंक यू।